से शुरू हुआ था। दुनिया के सब लोगों के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, सब लोगों का कल्याण जिसमें हो वह कौन सी एक्टिविटी है, एक दूसरा दूसरा प्रश्न। नहीं वो तो लास्ट है, अभी तो मारा जाएगा। दूसरा प्रश्न था समस्त शास्त्रों का सार क्या है, तीसरा प्रश्न था कि भगवान ने माता देवकी के गर्भ से प्रकट होकर जो लीला करी है उसका रहस्य, चौथा भगवान ने सृष्टि कैसे करी यानी कि पुरुषावतारों के बारे में प्रश्न था, और पांचवा लीला अवतारों के बारे में, और छठवा कि भगवान कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली। ये छह प्रश्न से भागवत शुरू हुई थी, है ना। सर्ग विसर्ग स्थान पौष्टया मुक्ति आशा, छह प्रश्न थे, उत्तर में 10 विषय बताए गए, है ना। और अंत में 5 जो कंक्लूजन है भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दी हुई वो क्या है, हमारे ऐसे भगवान श्री कृष्ण उनका धाम वृंदावन, उन तक जाने की विधि, गोपियों का मार्ग, इन सबका प्रमाण श्रीमद् भागवतम। हमारा उद्देश्य क्या, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति, श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति। कृष्ण की प्राप्ति तो कंस को भी हुई थी, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। और एक कॉमन प्रार्थना, एक कॉमन प्रार्थना जो सारे भक्त भगवान के दर्शन होने के बाद भगवान से मांग रहे हैं, जो सारे भक्त जब उन्हें भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान ने कहा मांगो, तो सबने एक चीज कॉमन मांगी, वो क्या है, भक्तों का संग। तो कल हम चर्चा करेंगे भगवान के दसम भागवतों के दसम स्कंद में 55 चैप्टर तक हो गया भगवान, ठीक है। माता रुक्मणी का विवाह, है ना। एक्चुअली में भगवान सुखदेव गोस्वामी तो बता रहे थे भगवान के विवाह की चर्चा द्वारका में, और उसके बीच में पहले एक विवाह के बारे में बताया, और फिर बाद में बीच में प्रद्युम्न की कथा भी उन्होंने बता दी, है ना। इसके आगे जब भगवान द्वारका में थे तो बीच में उन्होंने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा था कि जाके आप पता करिए कि जो हमारे रिश्तेदार हैं हस्तिनापुर में वो सब ठीक से हैं कि नहीं, है ना। तो वो उधर गए हुए थे, और जब प्रद्युम्न का विवाह हो गया, सब ठीक चल रहा था, उस समय एक व्यक्ति थे 17 जीत, तो 17 जीत ने एक झूठी, 17 जीत क्या हुआ कि भगवान सूर्य नारायण की उन्होंने उपासना करी, और सूर्य नारायण को कैसे भी करके प्रसन्न कर लिया, और उनसे एक मणि प्राप्त कर लिया, किसने, 17 जीत ने, ठीक है। तो 17 जीत जब ये मणि प्राप्त कर लिए तो उसके बाद वो मणि को पहन के द्वारका में वापस आए, तो जो मणि को पहन गया तो मणि सूर्यदेव ने दी थी, वो बहुत चमकदार मणि थी,
इतना उजाला होता था कि लोगों को लगा कि स्वयं सूर्य भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए कहाँ आए हुए हैं, द्वारका में आए हुए। तो सबने जो है जाके कृष्ण भगवान को बताया कि सूर्य स्वयं आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो कृष्ण तो सब जानते हैं, कृष्ण समझ गए कि ये तो सूर्य नहीं, ये तो सत्यजीत है और इसने मणि हासिल कर लिया है, और उसको थोड़ा घमंड भी हो गया था। तो भगवान घमंड नहीं देखते किसी का, उसको कम करते। यानी वे भगवान ने सत्यजीत से कहा कि ये मणि की खासियत क्या है कि ये बहुत सोना निकालती है, जितना चाहे उतना सोना निकाल लो, और जो है जिसके पास होगी उसको कोई रोग बीमारी कष्ट कुछ नहीं आएंगे, है ना। क्योंकि वैसे भी सूर्य की जिस पर कृपा होती है उसको बीमारी कम आती है, इसलिए जिसको अच्छी हेल्थ चाहिए वो सूर्य नमस्कार करे, सूर्य देव की उपासना करने से हेल्थ अच्छा होता है। तो ये इस मणि का नाम था शमयंतक मणि। तो ये शमयंतक मणि ये लीला हुआ क्यों, ये लीला इसलिए हुआ, इसमें दो शिक्षा है। एक शिक्षा तो ये है कि भगवान ये सिखाना चाह रहे हैं कि जो ज्यादा ये धन दौलत के चक्कर में पड़ेगा वो मरेगा, है ना। और दूसरा भगवान कह रहे हैं कि ये संसार है ही ऐसा, कई बार आपको ऐसा भी झेलने को मिल सकता है कि आपने कुछ ना किया हो फिर भी आपको कोई आके गालियां देके जाएगा। हो सकता है आपने कुछ भी नहीं किया, भगवान को स्वयं जो यहाँ पे सुनने को मिला, है ना। उसके बाद उसको बिस्किट नहीं चाहिए, उसको मणि चाहिए, है ना। तो इसके बाद भगवान ने उससे कहा सत्यजीत से कि आप ना ये मणि राजा को दे दो, उग्रसेन जी को, राज के, है ना। तो उसने माना नहीं, तो उनका अच्छा इसका सोना दे दिया करो, मणि अपने पास रखो, तो उसने माना नहीं। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन सत्यजीत का जो भाई था प्रसेन, तो प्रसेनजीत उस मणि को पहन के और घोड़े पे बैठ के गया जंगल में, ना। अब एक ही मणि थी तो जो बाहर जाता था वो पहन के जाता था, ऐसे होता ना घर में एक ही कुछ है तो फिर सब उसको ही, है ना। तो प्रसेनजीत ने भी जो भी सोचा हो उसको पहन के चला गया जंगल में घोड़े पे बैठ के, और वहाँ जंगल में जो है एक शेर आया सिंह, और सिंह ने प्रसेनजीत पे हमला कर दिया, इसको मार दिया और मणि लेके चला गया। मणि बहुत खतरनाक है। अब प्रसेन वो सिंह तो प्रसेन से मणि लेके चला गया और एक गुफा में गया, तो उस गुफा में पहले से कोई रहता था, उसमें कौन रहता था, जामवान, जामवान मालूम है कहाँ से, जामवान रामायण वाले, हाँ जामवंत या जामवान, है ना। तो वो जामवान वहां पर रहते थे, तो उन्होंने देखा सिंह को, तो सिंह से उनकी लड़ाई हुई, उन्होंने सिंह को मार दिया और मणि लेके अपने बच्चे को खेलने को दे दिया, है ना। तो उनका बच्चा उस मणि से खेलता था। अच्छा, अब इधर द्वारका में क्या हुआ कि सत्यजीत की मणि खोई हुई थी और उसका भाई भी मर गया, आया नहीं इतने दिन से। तो इन्होंने क्या सोचा कि ये कृष्ण बोल रहा था, कृष्ण कह रहे था कि ये मणि दे दो राजा को, तो हो ना हो कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार लिया है और मणि को छुपा दिया है कि नहीं। तो इसने ये जो है सत्यजीत ने क्या किया कि सारे जगह ये चीज ये अफवाह फैला दी, क्या क्या हाय हाय मेरे भाई को कृष्ण ने मार दिया और मणि रख ली, मणि के लालच में कृष्ण इतना वो हो गए कि उन्होंने मेरे भाई को ही मार दिया। तो ये अफवाह पूरे जगह फैल गई, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं मैंने किया कुछ नहीं, और देखो मेरे को गालियां खाने को मिल रही है ना, भगवान ने कुछ किया नहीं। तो इसके बाद भगवान ने
सोचा कि यार अब ये कैसे इसको वो करेंगे, है ना। तो भगवान स्वयं गए ढूंढने कि कहाँ गया प्रसन्न जी, तो मणि कहाँ गई। तो भगवान ढूंढने गए वहां, और जो उसके जो घोड़े के निशान बन रहे थे पैरों के, उनको देखते देखते भगवान जंगल में गए ढूंढते ढूंढते, और देखा तो उसको फॉलो करते करते के देखा तो वहां उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है, घोड़े का भी और प्रसेंजीत का भी। और पता चल रहा था कि ये शेर ने इसको खाया है, पता नहीं सीआईडी को भी लेके गए हो, है ना। पर उनको लग गया आइडिया, तो फिर वो शेर के पैरों के निशान को और उसके देखा डेड बॉडी में, तो मणि तो थी नहीं, तो उनको लगा शायद शेर लेके गया होगा। तो शेर के पैरों के निशान को फॉलो करते करते भगवान गए, भगवान गए और उनके साथ कुछ लोग और गए द्वारका के। तो उसको पीछा करते करते गए, तो वो गुफा की तरफ जा रहा था, तो गुफा बड़ी भयानक सी दिख रही थी। तो भगवान ने सबसे कहा कि आप लोग जो है यहीं रुको, मैं अंदर जाके देख के आता हूँ, है ना, कौन है गुफा में, क्या है, शेर होगा क्या होगा। तो सब लोग बाहर इंतजार करो। भगवान अंदर गए, अंदर गए तो वो जामवान का लड़का उससे खेल रहा है। तो भगवान ने उससे मणि ले ली, मणि ले ली तो उसकी माँ चिल्लाने लगी, है, तो उसकी आवाज को सुन के जामवान आए। जामवान ने आए, देखो कोई तो भी एक साधारण आदमी आके मेरे बच्चे का डिस्टर्ब कर रहा है। तो जामवान ने उनसे लड़ाई चालू करी। अब इतनी खतरनाक लड़ाई हुई उस गुफा के अंदर जामवान की और कृष्ण की, और कोई नहीं जीत रहा था, है ना। लड़ाई चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, 28 दिन तक लड़ाई चली दोनों की, इतनी खतरनाक लड़ाई चली। और फिर भगवान बाद में जामवान को बहुत पीटे, और जामवान फिर हार गए। और बाहर क्या हुआ कि जो बाहर लोग इंतजार कर रहे थे, उन्होंने कुछ दिन इंतजार किया, 12 दिन तक वो लोग वहाँ इंतजार किए। और 12 दिन के बाद उन्होंने सोचा अब तो मुश्किल है, तो लोग बेचारे बड़े उदास कि मणि भी नहीं मिली और कृष्ण भी चले गए। तो बेचारे इस उदासी के साथ जो है वापस आ गए द्वारका। अब द्वारका में सब लोग बड़े निराश कि यार एक तो मणि के चक्कर में अब कृष्ण भी नहीं मिल रहे, तो सब लोग बड़े उदास, सबने जाके दुर्गा देवी की पूजा करना चालू करा। तो इधर क्या हुआ, इधर जामवान जब हार गए, तो जामवान जैसे ही हारे उनको पता चल गया कि ये भगवान है, क्योंकि उनको पता था कि मैं जिससे हारूंगा वो कृष्ण ही होंगे, मेरे भगवान ही होंगे, राम या कृष्ण। तो तुरंत जामवान ने भगवान के पैर पकड़ लिए और फिर दोनों मिले। उसके बाद जामवान कहते हैं कि आप मणि तो आप ले ही जाओ, ले और मेरी बेटी है जामवती, उसको भी आप लेके जाओ, जामवती से विवाह कर लो और दहेज में मणि मैं देता हूँ, है ना। तो इस तरीके से भगवान आए बाहर 28 दिन के बाद। तो जब इन्होंने पूजा किया द्वारका वासियों ने, तभी भगवान वहां पहुंच गए। तो ये तो एक और केस है जहां पे भगवान के भक्तों ने या परिकरों ने देवी देवताओं की पूजा की कृष्ण की प्राप्ति के लिए। तो भगवान वहां आ गए, फिर सबको बताया कि क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ, और मणि भी उसको सत्रजीत को वापस दे दी। सत्रजीत को बड़ी लज्जा हुई अपने आप में कि मैंने इतना फालतू की अफवाह उड़ाई थी, पर बात तो कुछ और ही था। तो सत्रजीत सोचने लगा कि यार मेरे तो बड़ा थूतू हो गई है जनता के सामने, बेमतलब में मैंने कृष्ण का नाम खराब किया। तो सत्रजीत ने भी अब सोचा कि अब क्या करें। तो सत्रजीत की एक बेटी थी सत्यभामा, तो उन्होंने कहा चलो हम सत्यभामा का विवाह कृष्ण से कर देते हैं तो सुलह हो जाएगी। तो उन्होंने सत्यभामा का विवाह कृष्ण से कर दिया, और उन्होंने भी कहा कि मणि आप दहेज में ले लो। हरे राम हरे राम राम।
इसके बाद सत्रजीत कहता है कि मणि आप ले लो और मेरी बेटी से विवाह कर लो। तो भगवान कहते सत्यभामा से तो मैं विवाह कर लूंगा, लेकिन मणि तो अपने पास रखो, मणि नहीं चाहिए, तो मणि बहुत पंगा ऑलरेडी इतना हो चुका है, मेरे को नहीं चाहिए। तो बोले अच्छा ऐसा करना अभी इसका जो सोना वोना निकले तो वो भले दे देना, पर मणि तो चाहिए नहीं। दो ही तीन हुए, 16,108 हुए, टेंशन नहीं। सीरियल पैरेलल सब होते भगवान में, सब तभी तो कृष्ण है। तो इस तरीके से भगवान ने सत्यभामा से भी विवाह किया। तो कितने हो गए? तीन। अब इसके बाद क्या हुआ कि इधर हस्तिनापुर साइड, दिल्ली साइड, पांडवों की साइड क्या हुआ था कि ये खबर आई थी कि पांडवों को लाख का महल बना के जलाने की कोशिश की गई। तो भगवान कृष्ण तो जानते थे कि उनको कुछ नहीं हुआ है, पर अब रिश्तेदारी थी तो एक रिश्तेदारी में होता नहीं कि जाना चाहिए। तो कृष्ण बलराम दोनों उनको देखने गए, होता ना बीमार हो गए तो खबर तो मिल जाती कि ठीक है, लेकिन फिर भी एक होता ना कि जाना चाहिए भाई। तो कृष्ण बलराम इधर आ गए। जब कृष्ण बलराम इधर आए तो वहां पर द्वारका में क्या हुआ कि अक्रूर ने और कृतवर्मा ने, एक और व्यक्ति था सब धनवा, तो सब धनवा को एक्चुअली हुआ क्या था कि जो सत्राजीत था उसने सब धनवा को पहले से कह रखा था कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा, है ना। तो यहाँ हुआ क्या कि इन्होंने तो कृष्ण से कर दी शादी, तो सब धनवा पहले से ही खुन्नाया बैठा हुआ था। तो इन लोगों ने कहा, अक्रूर ने और कृतवर्मा ने उसको सलाह रखी, क्योंकि ये भी चाहते थे कि सत्यभामा के विवाह हमसे हो जाए, और वो भी चाहता था हुआ कृष्ण से, तो सारे सारे एक हो गए। और इन्होंने सब धनवा से कहा कि तुम ऐसा करो, सत्राजीत को क्या करो, वो आए नहीं उस दिन वाले दूरा कर दो, है ना। तो सत्राजीत को इन्होंने क्या किया, सब धनवा ने रात में सोते समय उसको मार दिया और मणि जो है निकाल दिया। अभी मणि का खत्म नहीं हो रहा है केस। तो जब सत्यजीत मर गए तो सत्यभामा तो बिल्कुल ही गुस्सा हो गई, बिल्कुल अरे क्या हो गया। तो वो सत्यभामा ने तुरंत रथ उठाया और सीधे वो कहां पहुंची, हस्तिनापुर। तुरंत कृष्ण बलराम को बताया कि वहां पे जो है मेरे पिताजी की हत्या हो गई, मर्डर। तो भगवान उधर से आए और भगवान आए बहुत गुस्से में थे, और उन्होंने कृष्ण बलराम ने जो है सब धनवा को दौड़ाया, और वो बेचारा समझ गया कि अब हमें तो मार डालेंगे। तो भागता गया भागता गया भागता गया, द्वारका के बाहर तक पहुंच गया, और भागते भागते मिथिला के जो बाहरी एरिया होता है ना आउटर, मिथिला के आउटर तक पहुंच गया। और वहां पे जो है कृष्ण ने अपना चक्र से उसको मार दिया और फिर उसके पास पहुंचे, उसके कपड़े उपड़े देखे तो मणि तो थी नहीं। तो कृष्ण कहते हैं बलराम से, अरे यार इसको फालतू मार दिया, मणि तो उसके पास है नहीं। तो बलराम कहते ऐसा करो, अब मिथिला तक तो आई गए हैं, तुम्हें यहाँ मिथिला में राजा को मिल लेता हूँ, है ना, अपने सगे संबंधियों को मिथिला में, और तुम जाके मणि ढूंढते रहना द्वारका में। तो बलराम जी रह गए मिथिला में, और यही मिथिला में रह के फिर उन्होंने दुर्योधन को गदा युद्ध, गदा की जो शिक्षा दिया ना वो इसी समय दी। इसके बाद कृष्ण गए वापस, मणि को तो ढूंढना है ना, एक बार ढूंढ ली थी फिर दोबारा वो, है ना, हर बार मणि के चक्कर में एक एक मर्डर हो रहा है। तो इसके बाद जो है सब धनवा ने क्या किया था कि वो मणि अक्रूर जी के पास छोड़ गया था। और अक्रूर क्या हुए,
अक्रूर को पता था कि पकड़े जाएंगे तो ये मणि लेके चले गए काशी, और काशी में इन्होंने खूब यज्ञ करवाए, और ये मणि तो खूब सोना देती थी तो ये यज्ञ करवाते थे तो सोने का हवन कुंड बनता था। सोचो इतना सोना देती थी मणि, तो सोने के हवन कुंड में यज्ञ होता था। तो ये बात सब जगह फैल गई थी कि अक्रूर जी वहां पे सोने का हवन कुंड में यज्ञ करा रहे। तो कृष्ण तो समझ गए कि मणि किसके पास है, अक्रूर के पास है। अब अक्रूर को बुलाएं कैसे, तो कृष्ण ने सब लोगों ने ऐसा एक प्लान बनाया कि अक्रूर जी को बुलवाया जाए। तो कृष्ण ने उस समय द्वारका में थोड़ा समस्याएं पैदा करी, जैसे कि बाढ़ आना या कुछ तरह की प्राकृतिक आपदा है ना। तो जो सबने कहा कि अक्रूर जो है उसके पिता ने एक बार अकाल पड़ा था, तो उसके पिता ने जो यज्ञ करके सब शांत किया, तो उन्होंने कहा शायद अक्रूर में भी वही शक्ति हो, अक्रूर को बुलवाओ। तो इस बहाने से कि अक्रूर जी आओ और यहाँ पे यज्ञ करो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, इस बहाने से अक्रूर जी को बुलवाया गया। अक्रूर जी जब आए तो भगवान ने उनसे कहा देखो हमें पता है कि मणि तो आपके पास ही है और जो है आप मणि हमें दे दीजिए। तो अक्रूर जी को बड़े सम्मान से उन्होंने बोला, बाद में अक्रूर जी ने वो मणि दे दी। तो इस तरीके से जो है ये मणि का जो लीला है इसमें कई लोग मरे और कई लोगों की बदनामी हुई, अक्रूर जैसे भक्त की भी बदनामी हुई। और इसमें दो शिक्षा तो जैसे बताया कि एक तो कि ज्यादा धन के आगे पीछे घूमने से नुकसान होता है, दूसरा कि अगर आपने कई बार हो सकता है कुछ भी ना किया हो गलती, पर फिर भी आपको सुनने को मिलेगा बदनामी गालियां। कृष्ण ने कोई गलती करी नहीं पर उनको बहुत कुछ सुनने को मिला। और तीसरा अक्रूर तो बढ़िया व्यक्ति थे, भक्त थे, लेकिन उन्होंने कुछ समय के लिए सद्धर्म वगैरह से दोस्ती कर ली जो कि गलत दिमाग के व्यक्ति थे ना। तो इससे तीसरा शिक्षा ये है कि हमें गलत, अगर हम कितने भी अच्छे हो, हम सब बढ़िया हो, लेकिन अगर गलत व्यक्ति का एसोसिएशन ले लेंगे, संग कर लेंगे, तो उसके गुण हमारे अंदर भी आ जाएंगे। अक्रूर जी तो बेमतलब में फंसे, बस संग ऐसा कर लिया कुछ समय के लिए तो उनके अंदर भी वो इच्छा आ गई ना। नहीं तो आपने सुना अक्रूर जी भगवान के कितने ना? तो ये संग का असर हो गया। इसलिए भगवान सारी लीला ऐसे करते हैं कि भक्त सीखे, तो करते उन्हीं से हैं जो उनके क्लोज भक्त हैं ना। तो संग अगर नहीं किया होता सद्धर्म और उन लोगों का, तो अक्रूर जी के मन में ऐसी इच्छाएं ना आती। तो इस तरीके से जो है शमंतक मणि का जो लीला हुआ। इसके बाद जब भगवान एक बार इंद्रप्रस्थ में जब थे, तो एक बार अर्जुन के साथ नदी के किनारे यमुना जी के साइड में बैठे हुए थे, तो वहाँ उन्हें एक बहुत सुंदर स्त्री दिखाई दी। तो अर्जुन को कहते हैं कि तुम जाके पूछ के आओ कौन है। अर्जुन कहता है मैं क्यों जाऊँ, बोले तुम जाओ। तो अर्जुन को भेजा कि जाओ पता करो ये कौन है, क्यों यहाँ जंगल में अकेले घूम रही है, इसका क्या विचार है, ये सब पता करके आओ डिटेल। तो अर्जुन कहते हैं यार मैं क्यों जाऊँ, तो भगवान की इच्छा से गए हो। तो उनको पूछते देवी आप यहाँ अकेले जंगल में क्या कर रहे हैं, कहाँ से आई हैं, आपके पिता कौन है, आप कौन है, इस तरह से यहाँ विचरण कर रही हैं, और आपके जिस तरह से आप यहाँ घूम रही हैं, आप लग रहा है कि आप अपने स्वामी अपने या विवाह की इच्छा से यहाँ घूम रही हैं, पति की इच्छा से। तो वो कहती है कि मैं कालिंदी हूँ, यमराज की पुत्री, और मेरे पिता ने यहाँ नदी के अंदर महल बनाया हुआ है, उसमें मैं रहती हूँ, और मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं स्वयं भगवान विष्णु से ही शादी करूँगी, इसलिए मैं यहाँ पर उनका इंतजार कर रही हूँ। तो अर्जुन ने कहा तो विष्णु से शादी करेंगे तो यही है। तो इस तरीके से कृष्ण को बताया। थैंक यू सो मच।
इस तरीके से कृष्ण को ये बताया तो कृष्ण ने वहाँ पे फिर कालिंदी को स्वीकार किया और उनको द्वारका भेजा और वहाँ पे द्वारका में फिर कालिंदी से भी कृष्ण ने विवाह किया। ठीक है, कितने हो गए? अवंती के राजा की एक पुत्री थी मित्रविंदा, तो भगवान ने उससे भी विवाह किया। और फिर एक राजा थे नग्नजित, तो वो उन्होंने एक शर्त रखी थी विवाह के लिए, मित्रविंदा से विवाह हो गया उज्जैन के राजा की बेटी से। ठीक है, और फिर जो नग्नजित था उसने उसके पास 7 बैल थे बहुत खतरनाक, तो उसने शर्त रखी थी जो इन 7 तो मित्रविंदा क्या था कि जो उज्जैन के राजा थे उनकी बहन थी, है ना, तो वो लोग चाहते थे कि वो दुर्योधन के सपोर्टर थे तो वो नहीं चाहते, तो भगवान ने उनका भी अपहरण किया था, है ना। तो फिर नग्नजित की बेटी थी सत्या या नग्नजित्ती, तो वो कृष्ण को चाहती थी, जो स्वयंवर हुआ स्वयंवर की शर्त थी कि जो 7 बैलों को हरा देगा, तो जो भी राजा आता था एक बैल को पकड़ता था 6 बैल उसको पहले ही निपटा देते थे, इतने खतरनाक बैल थे। देखा होगा ना आपने कौन से देश में होता है एक बैलों से फाइट होती है। कुछ समय पहले मीडिया में काफी उसमें था बुल फाइटिंग की, तो ये उस समय चल रहा है क्या था वो जली कुट्टू क्या था, कुछ समय पहले मीडिया में आया था ना। तो ये 7 बैल थे, सारे राजा, किसी की हड्डी टूटी, किसी का पैर टूटा, किसी का सिर फूटा, सब भाग भाग गए। तो जब कृष्ण वहां आए तो वो लड़की जो थी उसने कृष्ण को देख के ही उसे उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया, और उन्होंने अपने पिता से कहा, पहले ऐसा होता था कि वो अपने आप में किसी को अपना पति मान लेती थी पर अपने पिता को बताती थी, फिर पिता अपनी पुत्री की इच्छा को समझते हुए उसी लड़के से उनकी शादी करती थी। तो उन्होंने फिर कृष्ण को बुलाया और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, हमारी पुत्री आपसे विवाह करना चाहती है और ये शर्त है, अगर आप इसको पूरा कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो कृष्ण ने कहा, अरे ये कोई बड़ी बात है, तो कृष्ण उस एरिया में आए, एरिना में, और कृष्ण ने अपने आप को 7 कृष्ण बना लिया। कितने? 7 ने जाके एक एक बैल को मार दिया, और इस तरीके से नग्नजित्ती से भी उन्होंने विवाह किया। और उसके बाद एक राजा थे श्रुत कीर्ति, उनकी पुत्री भद्रा से विवाह किया, और फिर मद्र देश के राजा, मद्र माने मद्रास हो गया, तो उधर के राजा की बेटी थी लक्ष्मणा, तो उनसे भी कृष्ण विवाह किया। कितने हो गए? 8 हो गए। इसके बाद जल्दी होने बच्चे भी होने, बच्चों के विवाह भी होने, तो इसके बाद एक राक्षस था नरकासुर, ये तो आपने सुना होगा भौमासुर, है ना। तो नरकासुर को जो है वो क्या करता था कि वो लड़कियों को किडनैप करके अपने उसमें रखता था जेल में। तो ऐसे 1, 2, 3, 4 करते करते उसने ना जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है उसकी जेल भर ली। कितनी लड़कियां थी जेल में? 16,100। तो उसको जो है भगवान ने मारा। जब उसको मारने के लिए भगवान गए तो सत्यभामा को भी अपने साथ ले गए। अब सत्यभामा को क्यों ले गए साथ में? इसका कारण, एक तो कारण ये था कि जो भौमासुर था ये भूमि का पुत्र था, है ना, तो सत्यभामा जो है, जो भूमि है वो सत्यभामा की अंश है, है ना। जैसे अंश का मतलब समझते ना, राधा रानी से ही सब आए हैं, है ना, रुक्मणी है, सब उनके अंश है। तो उसी तरीके से नीचे आप आते जाएंगे तो सत्यभामा की अंश है भूमि। तो भगवान ने भूमि देवी को ये वादा किया था कि बिना आपकी आज्ञा, बिना आपकी अनुमति के मैं आपके पुत्र को नहीं मारूंगा, है ना। जैसे शिशुपाल की माँ को प्रॉमिस किया था,
कि 100 गलतियों के बाद मान लिया, तो सत्यभामा को ले गए कि भूमि किसकी अंश है, सत्यभामा की। तो जब सत्यभामा देखेंगी कि कृष्ण के ऊपर इतना ज्यादा ही अटैक कर रहा है मेरे पति के ऊपर, तो सत्यभामा खुद कहेंगी मारो इसको, तो मार दूंगा भगवान की चला की। तो सत्यभामा को अपने साथ ले गए और वहां पे खतरनाक युद्ध हुआ। और उस युद्ध में सत्यभामा ने कहा इसको मारो, है ना, तो मार दिया। अब और दूसरा कारण ये था कि जो नरकासुर या भौमासुर था, इसने देवताओं पे अटैक करके उनका कई सामान चुरा लाया था, है ना, इंद्र का कुछ सामान, वरुण का छाता, अजीब अजीब चीजें चुरा कर लाया, वरुण का छाता चुरा लिया, और देवताओं की माँ अदिति का एक एक कुंडल ऐसे गया से कान से खींच के ले आया था, तो ये सब चीज चुरा के लाया था। तो भगवान ने सोचा इसको मारेंगे, फिर सब सामान वापस करने भी जाना है, है ना, तो इसी बहाने अपनी पत्नी को स्वर्ग का भी सैर करा देंगे, सर लगे हम तो घुमा देंगे, है ना। और एक और कारण था कि एक बार नारद जी ने द्वारका में आके भगवान को पारिजात पुष्प दिया था, तो वो भगवान ने रुक्मिणी जी को भेंट किया था। तो जब रुक्मिणी जी को ये पारिजात मिला था तो सत्यभामा को बड़ा क्रोध आया था, मेरे को क्यों नहीं दिया। तो भगवान ने सोचा स्वर्ग तक तो मैं जा ही रहा हूँ ये सब सामान देने, तो वहां इनको दिखा भी दूंगा और वहां से पारिजात इन्हें दे भी दूंगा। भगवान ने प्रॉमिस किया था कि तुम चिंता मत करो, तो इसे तो फूल दिया, मैं तुम्हें पेड़ का पेड़ दे दूंगा। तो इंद्र की प्रार्थना पे भगवान ने नरकासुर को मारा, और इसको मारने के बाद 16,100 जो लड़कियां थी उनको उस जेल से निकाला और उनको सबको, जैसे उन्होंने कृष्ण को देखा तो सबने एक साथ उस कृष्ण को अपना पति मान लिया और सबको कृष्ण ने द्वारका भेज दिया, बाद में उनसे विवाह किया। इधर क्या हुआ कि सत्यभामा को लेके स्वर्ग गए और जिसका जो सामान नरकासुर ने चुराया था सब वापस किया, और फिर लौटते समय भगवान ने ऐसे ही पेड़ उठाया और चले गए। भगवान ने अभी अभी तो सारा दिलवाया वापस, तो कौन मना करेगा, है ना। तो जब वो पारिजात का पेड़ लेके बढ़े तो इंद्र के तारे वापस रखो कैसे लेके जा रहे, तो वहां पे फिर झगड़ा हुआ। तो फिर भगवान ने अभी इंद्र को सब दिलवाया वापस एक राक्षस मार के, अभी इंद्र देखो एक सेकंड नहीं हुआ पलट गया, है ना। तो कई बार ऐसे हो जाता है जब हमारे पास संकट आता है तो हम भगवान ये कर दो भगवान ये कर दो, ये करवाएंगे वो करवाएंगे ये करवाएंगे वो करवाएंगे, और जब वो सही हो जाता है तो फिर हमारी इच्छा नहीं होती कुछ देने की, है ना। जैसे राजा हरिश्चंद्र के केस में भी ऐसे हुआ, वरुण से उन्होंने प्रार्थना किया कि हम अपने पुत्र को देंगे, बाद में दे नहीं रहते। एक बार साउथ इंडिया में था ना, तो उधर की एक स्टोरी बना रहा हूँ। एक बार एक व्यक्ति, नारियल का पेड़ देखा है आपने कितना ऊंचा होता है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा देखा मैं कहाँ, टीवी में कितना बड़ा था, इतना बड़ा टीवी कितनी बड़ी है। तो एक आदमी नारियल के पेड़ पे चढ़ा था नारियल तोड़ने के लिए, तो बड़ी खतरनाक आंधी तूफान एकदम से आ गया, बड़ा खतरनाक। तो उसने वही ना, अब उसको लगा कि वो नारियल के पेड़ ऐसे हिलते हैं यूं यूं, तो उसको लगा उतना हो गया। तो उसने कहा भगवान अगर ये मैं बच गया, आंधी तूफान रुक गया और मैं बच गया तो मैं ना 10 नारियल आपको चढ़ाऊंगा इसमें। तो थोड़ी देर में आंधी रुकी और वो खिसक के नीचे गिरा, फिर बीच में अटक गया। तो उसको लगा कि अब तो थोड़ा कम हाइट हो गया है, तो कहता भगवान बच गया तो मैं 5 ही चढ़ाऊंगा, अब तो बच गया ना, ऐसे करते करते बाद में 1 चढ़ाऊंगा। तो इस तरीके से हमारी इस तरह से भावना कभी कभी बदल जाती है। इंद्र ने भगवान से युद्ध किया, भगवान ने इंद्र को हराया और पारिजात का वृक्ष लेके वहां आए।
इस तरीके से जो है भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। ठीक है, फिर एक बार अब ये सब विवाह हो गए तो एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण एक बार माता रुक्मिणी जी के साथ उनके जो अंतःपुर होता है, अंतःपुर माने बेडरूम, इंटरनल क्वार्टर्स, पहले ऐसा होता था एक लेयर दो लेयर से होते थे है ना, तो जो सबसे अंदर का होता है उसमें रानी रहती थी, तो उसमें भगवान कृष्ण बैठे थे रुक्मिणी जी के साथ। तो तात्पर्य में यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद जी के शिष्य की, कई बार ऐसा होता है कि पति चाहता है पत्नी को जबरदस्ती गुस्सा दिलाता है और मजाक करता है कि उसको गुस्सा है, वो गुस्सा उसका देख के उसको आनंद आता है, उसको जबरदस्ती चिढ़ाएगा वो गुस्सा करेगी और इसको अच्छा लगेगा। तो उसमें तात्पर्य में लिखते हैं कि पति का सबसे बड़ा आनंद यही है, तो भगवान ने भी सोचा भाई इसको क्यों छोड़े, तो भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कि एक बात आपसे कहनी थी, बताइए। कहते हैं कि आपने जो है मुझे ऐसे ही इतने बड़े बड़े राजाओं के बीच में सिलेक्ट किया, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं तो ठहरा ग्वाला, मेरा तो ना इधर का पता ना उधर का पता है ना, कोई कहता है कि बसदेव के लड़के हो, कोई कहता है कि नंद के लड़के हो, तो कुछ पता ही नहीं है ना, और लड़ाई वड़ाई तो मुझे आती नहीं है, जीवन में क्या सीखा है, गाय का दूध निकालना। तो इतने बड़े बड़े क्षत्रिय राजा थे बड़े बड़े, उनसे विवाह करना चाहिए था है ना, और मेरे को तुमने पत्र भेजा, तो मैं तो पहले से ही मेरा और जो शिशुपाल और सब जो राजा लोग थे उनसे मेरी बुराई थी पहले से, तो उनको हराने के लिए उनको नीचा दिखाने के लिए तुमको मैंने विवाह कर लिया, मेरे तुमसे ऐसा कोई वो नहीं था, तो यही बहाना था कि तुमसे तुम्हें विवाह करेंगे तो उन सबको बुरा लगेगा, तो उनको हराने के लिए तुमसे विवाह कर लिया। तो मुझे लगता है तुमने ना बहुत बड़ी गलती करी है। तो रुक्मिणी कहते कि अभी समय है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, अभी भी समय है और आप जो है क्या करें, आप किसी को भी जाके किसी बड़े वीर क्षत्रिय को जाके अपने पति के रूप में स्वीकार कर सकते हैं है ना, और मैं कुछ नहीं कहूंगा आप जाओ। ये कब कब की बात है, अब उनके बच्चे भी हो गए है ना, तो रुक्मिणी अब भगवान को लगा गुस्सा करेंगी, तो रुक्मिणी ने तो जब ऐसे सुना तो उनको तो चक्कर ही आ गया, वो चक्कर में गिर पड़ी, तो भगवान ने कहा उल्टा हो गया, तो भगवान ने उनको मनाया, अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ये वो है, आप ऐसे बुरा मान गए, इतना इतना सीरियसली थोड़े लेना होता है मेरी बात को, ये वो करके मनाया। तो रुक्मिणी को होश आया, तो रुक्मिणी ने भी खूब सुना है, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे जैसा वीर तो कोई है ही नहीं, क्योंकि तुमसे कौन टक्कर ले सकता है, तुम तो सुप्रीम हो सबसे बड़े भगवान। तो रुक्मिणी ने जो बोला वो सब सत्य था, पर बोला एक अलग टोन से। तो इस तरीके से ये एक बीच में एक चैप्टर आता है जो भगवान कृष्ण रुक्मिणी के बीच का वार्तालाप है। और साउथ इंडिया में एक मंदिर है गुरुवायूर, किसने सुना है? तो गुरुवायूर के मंदिर में वहां पे उसके साथ में एक शंकर जी का एक मंदिर है, तो उस मंदिर में एक बार बहुत पहले के समय में एक बहुत बड़े भक्त थे, उनका नाम था पूनतानम, क्या नाम था? पूनतानम। तो पूनतानम वहां पे कथा करते थे है ना, तो रोज कथा होती थी, और वो जितना कथा हो जाता था तो बीच में एक बुकमार्क होता है ना मोर का पंख या कुछ लगा के चले जाते थे, अगले दिन उसके आगे से कथा करते थे। तो जब ये चैप्टर आया एक दिन, तो उन्होंने इस चैप्टर पे भी कथा करी,
कृष्ण रुक्मणी का जो संवाद हुआ, ये कथा सुनाई और इस कथा के होने के बाद वो बीच में रख के और चले गए। अगले दिन आए तो अब ये कौन सा अध्याय है, 60 तो 61 पे रखा था, 61 करना है आज। तो अगले दिन आए तो उन्होंने देखा कि वो जो मोर का पंख था वो कहाँ गया था 60 पे। तो उनको समझ में नहीं आया ऐसे कैसे, शायद मैं भूल गया हूँ, शायद ना रखा हो भूल गया हूँ। लेकिन अब नियम था कि जहां रख दिया है, जहां आज खोलेंगे वहीं से करना है। तो उन्होंने फिर से सुनाई वही कथा। अब कल तो ऑलरेडी सुना चुके थे, आज भी सुनाई तो भक्तों को और आनंद आया। अच्छा फिर आज पूरी करके फिर उसको रख के फिर गए। अगले दिन आए तो फिर वो पीछे था। तो उनको लगा कि यार ये तो समस्या है, उनको समझा नहीं। उन्होंने सोचा शायद मैं फिर भूल गया हूँ, तो फिर वही सुनाया। ऐसे 2-3 दिन हुआ। फिर एक दिन जब वो तीसरे दिन के बाद जब वो शाम को गए तो कुछ तो भूल गए अपना मंदिर में। तो वापस आए और पुजारी को बोले कि मेरा कुछ सामान रह गया मंदिर में उठाना है, तो गेट खोलो। तो गेट खोला तो उन्होंने मंदिर, किसका मंदिर था, शंकर जी का। तो शंकर जी के मंदिर में जब वो गए अपना सामान उठाने तो अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, कुछ चर्चा चल रही थी। तो पार्वती जी शंकर जी को कह रही थी, अभी ने उनका आला मैंने सुना, कौन बात कर रहा है यार, मंदिर तो पुजारी बंद करने वाला था, अंदर कौन है। तो देखो पार्वती शंकर जी को कह रही है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, रोज उसको पीछे क्यों लगाते हो। तो वो बेचारा परेशान है। तो शंकर जी कहते हैं कि अरे वो जब ये वाली चैप्टर बोलते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के, तो मैं चाहता हूँ यही चलता रहे, इसलिए मैं लगा देता हूँ। ये बहुत वैसे तो कथा में बीच में आया है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट अध्याय भगवान शंकर को बहुत प्रिय है।